7000 साल पुरानी रामायण कालीन संजीवनी बूटी पर जब शोधकर्ताओं ने शोध किया, उसके बाद जो रहस्य सामने आए उन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जो लोग श्री राम और रामायण के होने पर संदेह कर रहे थे वे भी इस खोज से हैरान हैं। संजीवनी बूटी के इस रहस्य ने स्वयं शोधकर्ताओं को हैरान कर रखा है। ऐसे में सभी के यही प्रश्न हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कैसे 7000 साल पुरानी संजीवनी बूटी आज तक मौजूद है, और आखिर क्या है संजीवनी बूटी की पूरी कहानी। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जिस संजीवनी बूटी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये वही संजीवनी बूटी है जिसे हनुमान जी वैद्य सुषेण के कहने पर मूर्छित लक्ष्मण हेतु लाए थे। संजीवनी बूटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बूटियां श्रीलंका और हिमालय के कुछ गुप्त स्थानों पर आज भी पाई जाती है। लेकिन आखिर क्या हुआ तब जब शोधकर्ताओं के हाथ लगी ये संजीवनी बूटी, और आखिर क्या मिला शोधकर्ताओं को संजीवनी बूटी के शोध में, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। रामायण के अनुसार संजीवनी बूटी नामक दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारी जड़ी बूटी में हर प्रकार के रहस्यमयी गुण शामिल थे। संजीवनी बूटी ना सिर्फ घावों के निवारण में कारगर थी, बल्कि ये अत्यंत घायलों व मृतकों को भी ठीक करने की ताकत रखती थी। रामायण काल में संजीवनी बूटी हर रोग का रामबाण उपचार थी। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें संजीवनी नामक ना सिर्फ बूटी का वर्णन मिलता है, बल्कि पुराणों में हमें संजीवनी नामक एक विद्या का भी वर्णन मिलता है। संजीवनी विद्या के माध्यम से मृतकों को भी जीवित कर दिया जाता था। ऐसा कहते हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने महादेव से संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, और वे इसके माध्यम से मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया करते थे। संजीवनी विद्या को शुक्राचार्य से सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनाकर भेजा। उसने ये विद्या सीख भी ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को जब इसका पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। उसी संजीवनी विद्या के गुण संजीवनी बूटी में भी पाए जाते हैं। रामायण में राम रावण युद्ध के समय जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजा गया, तब वे पूरी वनस्पति ही उठा लाए थे। कहा जाता है हनुमान जी 4 प्रकार की वनस्पतियों को लाए थे। सबसे पहली मृत संजीवनी, जिसके माध्यम से मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता था। इसके बाद आती है विशाल्यकरणी, जिसके माध्यम से तीरों को निकाला जाता था और घावों को भरा जाता था। इसके बाद तीसरी बूटी थी संधान करणी, जो त्वचा ठीक करने के काम आती थी। अंत में चौथी और आखिरी सवर्ण करणी, जो त्वचा का रंग बहाल करने के काम आती थी। हनुमान जी बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये व्यक्ति को मृत्यु शैया से उठाकर पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल ये है कि ये चमत्कारी पौधा कौन सा है। इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वाणिकी महाविद्यालय सिरसी के डॉक्टर
के एन गणेशैया, डॉक्टर आर वासुदेव तथा डॉक्टर आर उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध कर दो पौधों को चिन्हित किया है। तो आखिर क्या मिला इन शोधकर्ताओं को संजीवनी बूटी में? शोधकर्ताओं ने सबसे पहले भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा। क्या उन सब में किसी ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता हो? उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाचियों और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। परिणाम स्वरूप खोज में 17 ऐसी प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों के उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां शेष रह गईं। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थीं जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एकरूपता से मेल खाती थीं। इनके सामान्य नाम रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका हैं। शोधकर्ताओं को इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल ये था कि ये बूटियां आखिर किस पर्वतीय इलाके में पाई जाती हैं, जहां हनुमान जी ने इसे तलाशा होगा। इन सभी खोजों और शोधों के बाद शोधकर्ताओं ने 2 बूटियों की खोज की। शोधकर्ताओं ने सिले जिनेला ब्रायोप्टेरिस और डेस्मोट्रायकम फिम्ब्री एटम नामक ऐसी 2 बूटियों की खोज की जिनमें संजीवनी जैसे तत्व पाए गए। डॉक्टर्स का दावा है कि इनके माध्यम से मृत या सूखी चीजों में प्राण डाले जा सकते हैं। ये बूटियां ऑक्सीकारक क्षति व पराबैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या सिले जिनेला ब्रायोप्टेरिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशैया व उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते थे। सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशैया व उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्रायकम फिम्ब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन 2 प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायण कालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। भारतीय वैज्ञानिकों की संजीवनी की खोज आज भी जारी है। तो आपको संजीवनी बूटी के इस अद्भुत खोज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।